कभी कभार मजबूर बंदा मजबूरी में जो कदम उठाता है और बेवकूफ बेवकूफ़ी जो करता है, अगर वो अच्छी नीयत से करे तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर देती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बी गिवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू शेयर दैट। और रियल लाइफ इंसिडेंट है, गंगाराम के ही स्टोरी है। गंगाराम का किरदार विजय त्रिपाठी ने किया है एंड आई थिंक ही इज़ मेकिंग अ वेरी गुड मूवी। एवरी टाइम द स्टोरी इज़ परफेक्ट फॉर हिम, बिकॉज अगर इंटरनेशनल ऑडियंस और रिकग्निशन और अप्लॉड्स अवार्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो इस तरह की स्टोरीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी राय मिलती है। दे लव इट वेरी वेल एंड स्पेशली इस तरह के करेक्टर हैं जो ग्रास रूट लेवल के इशूज़ को बाहर लेकर आते हैं। गंगाराम एक ऐसा ही सरपंच है जो अपनी गाँव के लिए, कम्यूनिटी के लिए कुछ करना चाहता है। गाँव के सरपंच होने के नाते बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको देखते हुए वो सोचता है कि सरपंच होने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे नहीं बल्कि मेरी वजह से कुछ सोसाइटी को, कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं है। हर दफ़ा शहर में जाता है लेकिन शहर में ऑफिस के चक्कर लगा के ये सारी चीज़ें देखने के बाद दिल हार पड़ता है। तो एक दिन अचानक नोटिस बोर्ड पर उसको नोटिस नज़र आता है कि किसी भी किसान को अगर टाइगर ने शिकार कर दिया तो उसकी मौत के सरकार उसको 10 लाख देगी। अब वो इसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करने के लिए ये प्लान बिल्ड करता है कि सोसाइटी में, कम्युनिटी में जाकर ये प्लान कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। और वॉलंटियर तो कोई कर नहीं सकता तो वो ही अपने आप को वॉलंटियर करता है, लेकिन उसके लिए भी उसको एक झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठ क्या है, क्या अपनी फैमिली को वो राज़ी कर पाएगा कि मैं इसके लिए, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है। तो वो जो बैकग्राउंड में स्टोरी क्रिएट कर रहा था वो देखने वाली है। और फिर उसके बाद किस तरह एक कानूनी वो लड़ाई में पड़ जाता है और किस तरह उसकी मुलाकात होती है पहुँचर के साथ, और पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें हैं। और वैसे ही वो कहना है, शेरनी में भी इसी तरह दिखाया गया था कि जब आप जंगल में होते हो तो शेर आपको एक दफ़ा नज़र आता है लेकिन शेर को आप बार बार नज़र आते हैं। तो हमारी सोसाइटी में भी इसी तरह हो रहा है। और गंगाराम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, ऐसे लग रहा है कि हमें अपने एंगल से नहीं उसके एंगल से देखना चाहिए, क्या हम जो नेचर है उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं या वो हमारे कल्चर में या हमारे जो हमने अपना खुद का अर्बन सेटअप बनाया है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो कभी कभार इसी तरह होगा, खुराक की तलाश में वो हमारे एरियाज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं या हम उनके मीनिंग्स की बातें बताई गई हैं। एंड वेरी गुड मूवी टू वॉच इट, एंड ह्यूमर है, कॉमेडी है, और लास्ट नॉट द लीस्ट गंगाराम विजय त्रिपाठी ने किया है एंड ही हैज़ नेल्ड द करेक्टर वेरी वेल। बड़ा अच्छा स्टोरी है, आप देखनी चाहिए, आपको पता चलेगा क्या हुआ। और फिर एंड में जो कोर्टरूम ड्रामा हुआ उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छी चीज़ें बताई हैं। You have to watch it really, and it is good to watch this with your family and loved one, so that they will learn what are the grassroots level issues हमारे लोगों को हैं। क्योंकि वही बात है कि ट्रिलियंस कमाने वाले लोगों को इतना नहीं पता कि 10 लाख के लिए एक आम बंदा शेर के सामने अपने आप को लेकर चला जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं एंड दे रियली सम अप वेरी वेल एंड आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू सो मच, take care, love and stay safe, bye bye.